नमस्कार दोस्तों, मैं बीआर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। तो पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे नेट के एग्ज़ाम में और पिछले कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आए हुए हैं और नेट में तो स्पेशल एक दो सवाल यहाँ से आते ही आते हैं और प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इनको अच्छे से अपन कंटेस्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन या इसका दूसरा नाम है अगस्त क्रांति, ठीक है, 8 अगस्त 1942 उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया था। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें परिस्थिति ये हो चुकी थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945, बात है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की, 1942 की। उस समय जापान लगातार एशिया में जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहाँ पर हमला बोल रहा था, तो भारतीयों को लगा कि जापान भी भारत पर हमला कर सकता है, मतलब इंग्लैंड की भारत में मौजूदगी जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने के ही समान था। तो कांग्रेस ने सोचा, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने सोचा कि भारत पर जापान का आक्रमण हो सकता है, इसलिए उन्होंने उन परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो याद रखिए, उस समय क्या परिस्थिति, जापानी आक्रमण का भय भी था क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। चलिए, 1942 के INC के वर्धा के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 में याद रखना 7 अगस्त को ग्वालिया टैंक मैदान है, ये मुंबई के अंदर है, वहाँ एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता की अबुल कलाम आज़ाद ने और बाद में इस बात को INC की कार्यकारिणी समिति ने 8 अगस्त को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो याद रखिए, ये प्रस्ताव को INC की कार्यकारिणी समिति ने 8 अगस्त को स्वीकार किया 1942 और 9 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। याद रख लीजिए, उस समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो गांधी जी ने 9 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने नारा दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन छिड़ गया। क्योंकि जैसे आंदोलन छिड़ा, अंग्रेजों ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्होंने कांग्रेस के और आंदोलन के जो छोटे के नेता थे, बड़े नेता थे, उन्हें सबको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और सबको जेल में डाल दिया। तो भारत के उस टाइम बड़े लीडर थे, उनको देखेंगे कहाँ कहाँ जेल में डाला। तो स्थिति क्या है, 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, शुरू होते ही और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राष्ट्र आंदोलन के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो आइए देखते हैं किस किस को कहाँ जेल में डाला था। याद रखिए, ये पूना महाराष्ट्र में, पूना का जो सर आगा खां पैलेस है, पूना के सर आगा खां पैलेस में किसको रखा, गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया। और इसी पूना के सर आगा खां महल में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा को डाल दिया। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई को भी वहीं रखा और सरोजनी नायडू। तो ये चार लोगों को याद रखना, गांधी जी, कस्तूरबा, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, चारों लोगों को पूना के सर आगा खां पैलेस में डाल दिया। और सर, और देखिए, अहमदनगर जेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारमैया, तो अहमदनगर में जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारमैया को जेल में डाल दिया गया। पटना में याद रखिए, पटना में राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया, तो पटना के बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को डाल दिया। याद रखिए, हजारीबाग जेल में याद रखिए जयप्रकाश नारायण को डाला, शिव कुमार को डाला और रामानंद। तो हजारीबाग में जेल में जयप्रकाश नारायण, JP को, शिव और राम, याद रखिए शिव और राम, तो शिव और राम को, दोनों को कहाँ डाल दिया, हजारीबाग जेल में। अब क्या हुआ, इसके अलावा बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब देखो क्या हुआ, जैसे इन लोगों को जेल में डाला तो यहाँ से जयप्रकाश नारायण यहाँ से क्या हुए, फरार हो गए और आज़ाद दस्ते का गठन किया और आंदोलन में
वापस लग गए। अब इधर क्या हुआ देखिए, क्योंकि ये आंदोलन की उस समय तक भारत के अंदर जन जागृति आ चुकी थी, तो छोटे के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद में भी पूरे देश में आंदोलन जोरों शोरों पर चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अंदर अब राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना ज़्यादा आ गई, आंदोलन अपने आप चल रहा है, मतलब स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। तो याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप चल रहा है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। आगे देखिए क्या होता है, इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने भूमिगत रहकर आंदोलन में सक्रिय रहे थे, तो कौन, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुण आसफअली और सुचेता कृपनानी, ये वो लोग हैं। तो अरुण आसफअली, राम मनोहर लोहिया, पटवर्धन और सुचेता कृपनानी, इन लोगों ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया। आगे देखिए क्या हुआ, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, कुछ एक विशेष जगह है वहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ सूती, देखिए इधर अहमदाबाद है, गुजरात में सूती वस्त्र की मिलें बहुत ज़्यादा थी, तो सूती वस्त्र की मिलों में महीनों तक हड़ताल रही, इसलिए उस समय इसको क्या कहा जाने लगा, ये भारत का क्या है, स्टालिनग्राड है। तो कपड़ा मिल में अहमदाबाद में क्या रहा, हड़ताल रही, तो इसे भारत का स्टालिनग्राड के नाम से जाना गया। उषा मेहता है, उषा मेहता ने याद रखिए बम्बई में, उषा मेहता ने देखो गुजरात में से मुंबई, उषा मेहता ने मुंबई में रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इसके अलावा याद रखिए कुछ ऐसी पार्टियां थी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो अलग रहे, वो कौन कौन है, तो भाग नहीं लिया, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, और मुस्लिम लीग ने तो यहाँ तक है ना इस आंदोलन के विरोध में प्रचार भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी और पंजाब, इन्होंने भाग नहीं लिया, तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिदिन क्या कार्य होंगे, इस कार्य की रूपरेखा हरिजन पत्रिका में है ना, हरिजन पत्रिका में वो रूपरेखा तैयार होती थी। हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है, मसरूवाला, केजी मसरूवाला। तो हरिजन पत्रिका में भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती थी, क्या कार्य होने हैं। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस बर्लिन रेडियो से इस आंदोलन को कहते हैं कि अहिंसक गुरिला युद्ध है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको अहिंसक गुरिला युद्ध का। देखिए इस आंदोलन के दौरान पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो याद रखना सर्वाधिक दंगे कहाँ हुए, बिहार और संयुक्त प्रांत में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में भी, याद रखना उस समय भारत का वायसराय कौन था, ललित गो। तो याद रखिए भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ तो दिल्ली है ना, दिल्ली का वायसराय, मतलब भारत का वायसराय कौन था, ललित गो। ललित गो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, तो ललित ने क्या कहा, गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी राजनीतिक फिरौती है। याद रखिए क्या हुआ, ये आंदोलन चल रहा है, अंग्रेजों का दमन चक्कर चल रहा है, तो इधर देखिए क्या हुआ, छोटी के लोग अभी भी जेल में ही है, तो इधर आइए सर आगा खां पैलेस, जहाँ गांधी जी, कस्तूरबा, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, चारों लोग जेल में बंद है। तो जेल के अंदर ही याद रखना कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई, और जेल के अंदर महादेव देसाई की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक पीछे गांधी जी और सरोजिनी नायडू बचे। अब क्या हुआ, वायु के देश में दमन चक्कर चल रहा है अंग्रेजों का, तो इसलिए जेल के अंदर गांधी जी ने क्या किया, उपवास कर दिया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया कि आप दमन चक्कर को रोको है ना, तो उपवास कर दिया। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होता गया और अंग्रेजों का आभास होने लग गया कि गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, तो गांधी जी की मृत्यु का जो अंतिम संस्कार का सम्मान है वो अंग्रेजों ने तैयार कर लिया, गांधी जी ने चकमा देकर अनशन तोड़ लिया। अब थोड़ा सा याद रखना है, गांधी जी को 42 में कैद किया और खराब स्वास्थ्य के कारण अंग्रेजों ने 44 में गांधी जी को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। 44 में गांधी जी को रिहा कर दिया, आंदोलन थोड़ा सा धीमा हो गया, और 44 में याद रखना 1944 में INC ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो वापस ले लिया। तो 1944 में ही INC ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया। याद रखिए 1945 आते 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 आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, और जेल में सभी लोग जो बंद थे उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, रिहा कर दिया। तो ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये भी याद रखना है, देखिए महात्मा गांधी जी के जो जीवनीकार हैं वो है फिशर, और फिशर कहाँ के, USA के। तो महात्मा गांधी के जीवनीकार फिशर है, फिशर कहाँ के, USA के। उन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है ना। और विशेष बात, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर, तो फिशर यहाँ हिंदुस्तान में ही आए हुए थे।
अब छोटा सा पॉइंट एक और रह गया, जैसे ये आंदोलन चल रहा था, जगह जगह हिंसा हो रही थी, तो कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर्टिकुलर इलाके में भारतीय लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का शासन खत्म कर दिया और खुद की सरकार स्थापित कर ली। देश में तो देखो अंग्रेजों की सरकार रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया थे जहाँ पर स्थानीय लोगों ने खुद की सरकार बना ली, तो ये कहलाई समांतर सरकारें। तो अब पढ़ेंगे अपन समांतर सरकारें। इस आंदोलन के दौरान ही समांतर सरकारों का गठन किया गया। तो कुछ एक पॉइंट है, चार जगह याद रखनी है, या ये सवाल फिक्स है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और नेट में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, इसमें आप देखिए कि ये पॉइंट है, ये जगह का नाम है जहां पर समांतर सरकारों का गठन हुआ। सबसे पहले याद रखिए समांतर सरकारें, तीन पॉइंट बनेंगे, कौन से स्थान पर बनी, उस सरकार के नेता कौन थे और विशेष बात क्या। तो सबसे पहले आप पढ़िए बलिया, बलिया देखो ये उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या बनी, समांतर सरकार बनी। तो बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार बनी, याद रखिए ये सबसे पहले समांतर सरकार का गठन हुआ, सबसे पहले बनी, एक नंबर पर, इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या रहा, केवल एक सप्ताह, उसके बाद अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया। ठीक, उसके बाद आइए मिदनापुर, नीचे आएंगे ना मिदनापुर, मिदनापुर है बंगाल में, वहां सतीश सामंत ने सरकार बनाई जिसका नाम है तामलुक जातीय सरकार। तो देखिए मिदनापुर कहाँ है, बंगाल में, सतीश सामंत और तामलुक जातीय सरकार। फिर याद रखिए सतारा, सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, सतारा में सरकार बनाई वाई वी चौहान और नाना पाटिल। तो याद रखिए सतारा महाराष्ट्र, नेता वाई वी चौहान और नाना पाटिल। याद रखिए सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी सरकार ही, मतलब इसका मतलब है सबसे लंबे टाइम तक चली थी 1943 से 45 तक। ठीक, उसके बाद कोरापुट, कोरापुट गए उड़ीसा, तो कोरापुट उड़ीसा में सरकार किसके नेतृत्व में बनी, लक्ष्मण नाइक के नेतृत्व में। तो कोरापुट उड़ीसा के अंदर और यहाँ सरकार के नेता कौन है, लक्ष्मण नाइक। तो ये सुमेलित करने वाले सवालों में फिक्स है, ये सवाल आते ही आते हैं यहाँ से। तो आज हमने पढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बढ़िया से आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू।